बस ये जल्दी से देख लेंगे एक बार। बेंजीन के ऊपर एन टू प्लस है, बेंजीन के ऊपर एन टू प्लस है, और इसमें हमने पास किया है स्टीम, तो बनता फिनॉल। ये तुम्हें पता है, एच टू एच प्लस डालते हैं तो फिनॉल बनता है। अकेला मैकेनिज्म है ये सिर्फ बेंजीन, ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड शो करता है, वो भी जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है। बाकी जितनी इसकी रिएक्शन है, चाहे सी यू सी एल डालो, चाहे के एन फॉर्म करो, चाहे सी यू सी एन के सी एन सी यू सी एन डालो, कोई भी डालो, सब में रेडिकल मैकेनिज्म, सारे मैकेनिज्म रेडिकल है। कोई भी एस एन वन ए आर नहीं है उसमें, ए आर एस एन वन नहीं है कोई भी। अब एन टू प्लस है इसमें, तुम्हें पता है कि रिएक्शन बहुत स्लो होगी क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे हाईली डिसल्वाइज होगा, स्लो स्टेप के अंदर बनेगा क्या, फिनाइल कटायन, अनस्टेबल फिनाइल कटायन बन जाएगा, अनस्टेबल फिनाइल कटायन बनेगा और एन टू स्टेबल बनेगा, सुपर लिविंग ग्रुप है, इसकी वजह से कुछ रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन, अदरवाइज हाईली अनस्टेबल फिनाइल कटायन बनेगा, आरडीएस स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होगा। और अब इस पे हम पास कर देंगे स्टीम, सही ना, इसका एसपी टू ये खाली रहेगा यहाँ पे, ये एसपी टू खाली है इसका, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो खाली है। तो अब इस पे प्लस पे, अब इस प्लस पे, इस एसपी टू ऑर्बिटल पे एच टू ओ जो है ये लोन पेयर देगा अपने, लोन पेयर देगा, और ये आ जाएगा ओ प्लस एच एच, और फिर एक एच प्लस बाहर निकल जाएगा, माइनस एच प्लस, और फाइनल आंसर आ गया फिनॉल। क्या क्लियर है ये? ना तो ये इसमें फीलिंग तुम्हें आ रहा होगा एस एन वन टाइप का, जिसमें कार्बो कटायन बनता है, इसमें सिर्फ क्या बन रहा है, फिनाइल कटायन बनता है। एस एन वन जब कराऊंगा तो और डिटेल में समझ आएगा तुम्हें। बस ये अकेला मैकेनिज्म है ए आर एस एन वन का, ए आर एस एन वन का अकेला मैकेनिज्म है, बाकी रिएक्शन जो है सब रेडिकल मैकेनिज्म है, ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। इसको नोट कर लिया वाला पूरा कि नहीं? यस सर। तो बस अब एक जो मैकेनिज्म इसके क्वेश्चंस है ना, कुछ जल्दी से बस वो नोट कर लो, काम खत्म ही। आप रेडिकल बस क्वेश्चन लिख लो उसके, एन टू सी एल सबने किया हुआ है, ध्यान रखना चीज का। इसमें डाल दिया मैंने सी यू सी एल, इसमें डाल दिया मैंने सी यू बी आर, ये सब रेडिकल मैकेनिज्म है। इसमें डाल दिया मैंने सी यू एच सी एल, इसमें डाल दिया सी यू एच बी आर, इसमें डाल के एक वॉर्म किया अगर इसको तो क्या होगा, के फॉर्म किया तो क्या होगा, और इसमें चलो ये तो तुम करो। फिर एन टू सी एल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें डाल दिया एच बी एफ फोर, एच बी एफ फोर और गर्म किया तो क्या होगा, और रिएक्शन कौन सी तुम्हें पता है, रिएक्शन कौन सी ये पता है तुम्हें, और इसमें रिडक्शन रिएक्शन भी आ जाती है एक आध, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन भी आएंगी। एक और डाल देते हैं, इसमें एच बी एफ फोर डाला, गर्म नहीं किया इसके अंदर, गर्म नहीं किया अभी, और उसके बाद ए मिला, और उसके बाद एन ए नोटोर कॉपर डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, बोर्ड में आया हुआ है, एन ए नोटो कॉपर डाला, बी मिला, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एन ए नोटो कॉपर डाला तो बी मिल गया। फिर इसकी कुछ रिडक्शन रिएक्शन है, पहले इसको कर लो जल्दी से, जल्दी से आंसर बोल दो इसके। हाय मांग, कर लिया हाँ बस यही यही स्पीड चाहिए, जल्दी से आंसर बोलो, अकेले गर्म बोलता हूँ बेचारा। तो इसमें आंसर देखेंगे एक बार। हाँ बोले मांग, सर। वो सीएल लग जाएगा, बीआर लग जाएगा, फिर सीएल, फिर बीआर, फिर आई लग जाएगा, और इसमें वो एफ लग जाएगा, और फिर नीचे वो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसमें आ गया बी आर, इसमें आ गया के हम करेंगे तो वाई आ जाएगा, सब रेडिकल मैकेनिज्म है ये, ध्यान रखना चीज का। एच बी एफ फोर हीट किया तो एफ हाँ क्लोरोबेंजीन, ये पहली दो रिएक्शन कौन सी है, जेंटलमैन, तो सेंड मी आर, ये सैंड मेरे नीचे ले जेंटलमैन नीचे वाली कौन सी है, गेटरमैन, जेंटलमैन हाँ, और के सी एन सी यू सी एन में डालेंगे तो भी सेंड मी रिएक्शन, के सी एन सी यू सी एन, मैंने दिखाया नहीं हो, और ये कौन सी रिएक्शन है, बालश्रीमन बाल्शीमन रिएक्शन, और एच बी एफ फोर डाला इसमें तो एन टू बी एफ फोर आएगा,
N2BF4, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ध्यान रखना। और NNO2 कॉपर डाला तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और NNO2 एक्टिविटी नेगेटिव आएगा। नाइट्रो बेंजीन की प्रिपरेशन है ये एनिलीन से नाइट्रो बेंजीन बनाने का इजी तरीका है थोड़ा, ये ध्यान रखना। NNO2 कॉपर भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये याद नहीं रहता, एनसीईआरटी में दे रखा है ये, सही ना, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, काम खत्म है यहाँ पे, पूरे नोट कर लिए। यस सर रिडक्शन रिएक्शन नोट कर लो, N2Cl इसमें डाल दिया एक बार, Na2SNO2, Na2ASNO2, SNO2, स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट, NaASO2 आर्सेनाइट, और इसमें डाल दिया ये तुमने पढ़ा हुआ है, इथेनॉल, इसमें डाल दिया SNCl2, S3PO2Cu+। बोलो आंसर इसमें। सो बेंजीन ही मिलेगा उसमें, सब में आंसर बेंजीन सही है। नहीं क्लियर यस है, सर। सब में आंसर क्या आएगा, बेंजीन। पहले में ये Na2SNO3 बन जाएगा, ये Na2SNO3 बन जाएगा, सही ना। ये Na2SNO3 और बेंजीन स्टेनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आर्सेनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, NaASO3+5 स्टेट में चला जाएगा, और आंसर साथ में बेंजीन, इस ये इथेनल में चला जाएगा, साथ में आंसर बेंजीन, ये SNCl4 में चला जाएगा, ये ग्लासी मटेरियल होता है, ध्यान रखना ये ग्लासी मटेरियल है, कई बार आता है कंपाउंड ग्लासी मटेरियल, तो ये SNCl2 ही होता है, ग्लासी बीट बोलेगा तो बोरोस बीट टेस्ट में पड़ा है, और इसमें S3PO2 जो है S3PO4 में चला जाएगा, सही ना। S3PO2 किस में चला जाएगा, S3PO4, तो यही रिएक्शन है इसकी, तो ये रिएक्शन है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बस एक आती है, ये तुम्हें ध्यान होगा, अगर अपने रिएक्शन में बताया हुआ मैंने कि अगर इसमें NaOH डाल दिया बेसिक मीडियम में तो Cl- हटके O चायंस आ जाएगा, Cl- हटके क्या आ जाएगा, O चायंस, और O चायंस तो रह नहीं पाएगा, O चायंस ONa में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ONa में कन्वर्ट हो जाएगा, सही ना, ONa में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, फिर N डबल बॉन्ड N O-Na+, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक BDC की, समझ गए कि नहीं। ये यस सर तो बस ये मैंने तुम्हें करवा दिया है, बेंजाइन मैकेनिज्म SNEA ये तुम पढ़ चुके हो, इसलिए उसको नहीं करा रहा मैं। अब तुम्हारे मेन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होंगे, बहुत ध्यान से करना उनको, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होंगे, बहुत ध्यान से करना उनको। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलो अब ये कर लेना तुम, वरना जो क्लास में करेंगे आगे, और ये याद करके आना पूरा ढंग से, मैकेनिज्म लिख के लाना है, घर मेरे को भेज दियो रिकॉर्डिंग, अभी फ्रिज भेज देना, यस अभी सर।